सभी किसान भाइयों को भारत एग्री से एग्री डॉक्टर गजेंद्र पटेल का नमस्कार। किसान भाइयों, आज भारत एग्री के एग्री जुगाड़ में हम जानेंगे नीम अस्त्र क्या है, इसे बनाने की आसान विधि और इसे प्रयोग करने के तरीके के बारे में। किसान भाइयों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, यदि आपको खेतीबाड़ी से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। किसान भाइयों, हमारी फसलों में विभिन्न प्रकार के रस चूसक कीट जैसे हरा तेला, माहू, थ्रिप्स, मकड़ी, लीफ माइनर, मिलीबग जैसे आदि कीटों का प्रकोप देखा जाता है। यह कीट हमारी पत्तियों से, हमारी फसलों से और उनके फलों से रस चूसकर हमारी फसल को प्रकोपित करते हैं। इसके द्वारा हमारी फसलों में विभिन्न प्रकार के वायरस और उत्पादन के ऊपर काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है। साथ ही किसान भाइयों, इल्लियां जो कि पौधों की पत्तियों को खाती हैं, फलों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं, इनके नियंत्रण के लिए नीम अस्त्र का वार, रस चूसक कीट और इल्लियों का नाश। किसान भाइयों, आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक एल्यूमिनियम या मिट्टी का बर्तन। साथ ही किसान भाइयों, इसमें हमें चाहिए होगा 20 लीटर गौमूत्र, 5 किलोग्राम नीम की पत्तियां, आधा किलोग्राम तंबाकू की पत्तियां या सूखा पाउडर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको इसमें चाहिए होगा लहसुन का आधा किलोग्राम पेस्ट, हरी मिर्च का आधा किलोग्राम पेस्ट। साथ ही हमें चाहिए होगा इसमें गैस की भट्टी या फिर आप चूल्हा भी बना सकते हैं, जिसे लकड़ियों की सहायता से जलाकर इसको वहां पे उबाल सकते हैं। आप जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि के बारे में। इसे बनाने के लिए किसान भाइयों, एक खुले मैदान में हमें जाना है जहां पर आसपास में किसी का घर ना हो। इसके बाद किसान भाइयों, चूल्हा या भट्टी को रख के उसके ऊपर एल्यूमिनियम या मिट्टी का बर्तन रखना है। उसे रखने के बाद में किसान भाइयों, हमें उसमें गैस के बर्नर को चालू कर देना है या फिर चूल्हे को जला लेना है। उसमें 20 लीटर गौमूत्र, 5 किलोग्राम नीम की पत्तियां, आधा किलोग्राम लहसुन का पेस्ट, आधा किलोग्राम हरी मिर्च का पेस्ट और आधा किलोग्राम तंबाकू पाउडर को उसमें हमें डाल देना है और इसको तब तक उबालना है जब तक कि इसमें 3 से 4 उबाल ना आ जाए। इसके बाद किसान भाइयों, इसे उतार कर एक छायादार स्थान पर रख देना है। 48 घंटे रखने के बाद किसान भाइयों, 48 घंटों में इसे 4 बार एक डंडे की सहायता से घड़ी की सुई की तरह 15 बार सीधा और 15 बार उल्टा घुमाना है। इसके बाद किसान भाइयों, इसे छान कर हमें फसलों में प्रयोग करना है। इसका स्टोरेज क्षमता जो है, इसे हम कब तक प्रयोग कर सकते हैं, तो इसे किसान भाइयों, आप किसी भी फसल के ऊपर 3 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं एक बार बनाने के बाद में। आप जानते हैं इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। किसान भाइयों, आपकी किसी भी तरह की कोई भी फसल है और उसमें किसी भी तरह की कोई इल्ली या रस चूसा कीटों का प्रकोप हो रहा है, तो उसके लिए आप इसको छान कर 5 लीटर घोल को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर आप अपनी फसलों के ऊपर रस चूसा कीट और इल्लियों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय किसान भाइयों, दी गई जानकारी यदि आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें। यह जानकारी अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत एग्री के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की महत्वपूर्ण अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों, बाजू में दी गई घंटी यानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।